बहादुरगढ़ के लोगों को नए बस अड्डे की सौगात मिलने के बावजूद शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी रहती है। दरअसल अब भी काफी सारे बस चालक सवारियां लेने के लिए शहर के अंदर से होकर गुजरते, ऐसे में पुराने बस स्टैंड के बाहर काफी समय तक बसें रोककर चालक सवारियों का इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम लग जाता है। लेकिन अब पुलिस ऐसे ही बस चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। बुधवार को डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने पुराने बस अड्डे के बाहर अवैध रूप से बस रोक कर सवारियां चढ़ाने के लिए चालकों के चालान काटे। ये हमारे कुछ दिन पहले बहादुरगढ़ का जो नया बस स्टैंड बना है वहाँ पे बसें शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ सवारियां जो अंदर की हैं, जैसे दिल्ली से चलने वाली रोहतक जा रही हैं, भिवानी जा रही हैं, तो उनके लिए एक रही टेम्परेरी स्टॉपेज बनाया गया है यहाँ पे एक मिनट के लिए, तो यहाँ पे सवारी बिठाए और उतार के चली जाए, उससे ज्यादा स्टॉपेज इनके लिए नहीं दिया गया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी पवन कुमार ने साफ तौर पर बस चालकों को हिदायत दी है कि एक मिनट से ज्यादा अगर किसी भी बस चालक ने पुराने बस स्टैंड के बाहर बस रोकी तो उसका नो पार्किंग का चालान कर दिया जाएगा। 7 सितंबर को भी आधा दर्जन से ज्यादा बस चालकों के चालान काटे गए हैं। साथ ही शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारी वाहनों पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकना लोगों के हित में नहीं है, लेकिन इस पर कंट्रोल बेहद जरूरी है। आम लोगों को जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए नियमों की अवहेलना करने वाले बस चालकों के चालान काटे गए हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में बस चालकों में पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। झज्जर से जगदीप राजन, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।